अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे दोस्तों। जैसे मैं ऊपर आई हूँ तो ये सारे परिंदे जो हैं पीछे आप देख रहे हैं, चूजे सारे केजेस में अपने जंप करना शुरू हो गए। इनको इस टाइम भूख लगी होती है तो इनको ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं, चलते हैं, इनको दाने पानी डालते हैं। इसके अलावा पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये छोटे चूजे, इनको भी मैं बाहर ले आया हूँ और इन्होंने भी अभी शोर करना शुरू कर दिया इनको। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कौन कौन सी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं, वो भी उठाते हैं। ये छोटे चूजे मैं बाहर ले आया हूँ, इनको दाने डालते हैं, इनको भी भूख लगी हुई है। इसके अलावा ये पालक है, पालक जो है वो काटते हैं। अभी मैं चुटकी जाऊंगा तो देखना अभी ये पालक काट देगी। पालक काट गया और दाने जो है वो मैं बाहर ले आया हूँ। ये छोटे चूजे के लिए फीड है और इसमें थोड़ा सा बाजरा मिक्स किया हुआ, और ये जो है ये हमारे पास गंदम और बाजरा। पहले इनको खोल लेते हैं। ये चूजे जो है हमारे अब बड़े चूजों में शुमार होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये देखें काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 4 माह इनकी तकरीबन एज है। पालक इनको डालते हैं सबसे पहले, काफ़ी इनको भूख लगी हुई है। ये छोटे चूजे इनको भी दाने डाल देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये जो हमारे पास ब्राउन मुर्गी है वो सामने, वो ब्राउन मुर्गी और वो अंदर मेल है हमारा, ये उसके बच्चे हैं 6 और एक बीच में वाइंड आर्ट का बच्चा है। ये माशाल्लाह हमारे पास 7 है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये इनकी एज जो है वो तकरीबन 1.5 माह है। वाइंड आर्ट को खोलने से पहले इनको थोड़े से दाने डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है वो उछल रहे हैं। ये मैं जाली से इनको दाने डाल देता हूँ, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा खोल के दाने डालो ना तो ये बाहर जंप कर देते हैं, वो नीचे बाहर आ जाते हैं। ये माशाल्लाह हमारा पट्टा है, ये काफ़ी लड़ाई करता है। सुबह जो है वो ये इसके साथ लड़ना शुरू हो गया था, ये वाली फ़ीमेल के साथ। इसने माशाल्लाह अंडा भी दिया है, वो अंदर अंडा भी उठाते हैं, और वाइंड आर्ट ने भी एक अंडा दिया है, वो भी उठाते हैं। इसका ये तरपाल उठा के इधर रख देते हैं और इसको इधर आगे ले आते हैं। चलो चलो चलो, ये पट्टे को मैंने इधर कर दिया और इधर इसको दाने डाल देते हैं। पीछे हमारे पास जो है वो शामू है, शामू को भी खोलते हैं। उससे पहले जो है हम इनको खोलते हैं, बड़े डार्ट्स बाहर निकालते हैं और अंडा उठा लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अंडा, ये मिट्टी की वजह से गंदा हो गया, कोई बात नहीं, इसको धो लेंगे। ये खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिल वक्त, अभी इसको लगाया हुआ नहीं है मेल के साथ। इंशाल्लाह ये थोड़ा सा मौसम बेहतर हो फिर इस मेल के, इस फीमेल के साथ लगाएंगे और काफ़ी अच्छे जो है वो बच्चे निकालेंगे। केज बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह मेल, ये देखें ये मेल जो है हमारा जो है पट्टा है, ये अंदर एक हमारी एक फीमेल है, उसके साथ भी लड़ता है और इसके साथ भी लड़ता है। ये काफ़ी जो है वो हमारा फाइटर पट्टा है, ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है ये। इस फीमेल को अंदर बंद ही करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसको मैंने बंद कर दिया फीमेल को, अब जो है वो अंदर शामू को देखते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह शामू, मुझे हमारे सेटअप की रौनक है। ये थोड़े से बड़े होंगे तो काफ़ी ये खूबसूरत हो जाएंगे। इनको बाहर जो है हम टोकरे में बंद करेंगे ताकि मिट्टी में खेलें, साथ साथ खाए पिए। ये मैं पकड़ के बाहर ले आया हूँ, इनको टोकरे में बंद कर दिया शामू के चूज़ों को, और ये दाने मैं इनको डालूँ फीड भी। और वाइंड आर्ट को खोलते हैं जल्दी से। कोने में छुप के बैठी हुई है, शायद नाराज़ हो गई हैं, देर हो गई है शायद इस वजह से। अंडा भी उनका सामने पड़ा है, उठाते हैं अभी। अभी मैं पालक डालूंगा तो बाहर आ जाएंगे, इनको पालक डालते हैं। ये बाजरा और गंदम इनको डाल देते हैं, इस मेल को भी डाल देते हैं। दोस्तों वो जो पट्टा था मैंने वो वाली फ़ीमेल के साथ लाड़ा था, वो वाली फ़ीमेल ये वाइट वाली इसके साथ लाड़ा था मैंने, उसको वो सामने बंद कर दिया। ये देखें माशाल्लाह इसकी हाइट देखें, आपको दूर से दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये अभी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा, अभी इसका काफ़ी स्मार्ट है। थोड़ा खाए पिएगा, मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो काफ़ी ये माशाल्लाह हमारे पास अच्छा ब्रीडर तैयार होगा। कूलर ऑन है, कूलर अभी बंद नहीं किया हमने। इनको भी पालक डालते हैं जल्दी से, ये ना हो ये भी वाइंड आर्ट की तरह नाराज़ हो जाए और बाहर ना आए। इनको भी डाल दिया पालक हमने,
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।